और फूल मालाएं लेकर स्वागत कमेटी के जो सदस्य हैं मेरे साथी, कैमरा को घुमा दे, स्टेज के नीचे आप चले जाएं और भाई साहब का फूल मालाएं से स्वागत कीजिएगा। वीडियो को शेयर करते रहे, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पेगा गांव की, पेगा गांव के अंदर हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता भाई जयप्रकाश जी जेपी, पूर्व मंत्री भारत सरकार पहुंच चुके हैं और स्वागत कमेटी के साथियों से मेरा अनुरोध है कि नीचे कतार बनाई और फूल वालों से स्वागत कीजिए। भाई जयप्रकाश जी स्टेज की तरफ बढ़ते हुए और स्वागत कमेटी के सदस्य पेगा गांव में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। फूल मालाएं डालकर स्वागत करते हुए खुशियां बांटते हुए पेगा गांव के बासिंदे और फूल मालाएं डालते हुए और शहर स्वीकार करते हुए भाई जयप्रकाश जेपी जी स्वागत कमेटी के सदस्य भाई जयप्रकाश जी को फूल माला से स्वागत करते और सहर स्वीकार करते भाई जयप्रकाश जेपी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। पेगा गांव में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और दिलबाग जी हमारे बीच में पहुंचे, दिलबाग सुनील जी मेरे बहुत ही अजीज, वीरेंद्र गोगड़िया जी, भाई बलराम खटवाल जी, जगमाल चहल जी आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। राजेंद्र जी, स्वामी आदित्य वेश जी आपका पेगा नगरी में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और फूला मालाएं डालकर स्वागत करते हुए 36 बिरादरी के बासिंदे पेगा गांव और पवित्र गांव के बीच मैदान में पहुंचे हमारे बहुत ही प्रिय नेता जयप्रकाश जेपी जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। फूल माले डालकर स्वागत किया सहर संकार के भाई साहब ने, आपका बहुत ही अभिनंदन, बहुत ही स्वागत है। यह जोड़ी पहला उरे थी या पहला उरे थी और उरे है मैं थोड़ा सा एक मिनट दे दो मैं औपचारिकता पूरा कर दूं और फिर भाई साहब अपने विचार रखेंगे, थोड़ा रास्ता दे दो। हाँ बैठ जाओ बैठो। और 36 बिरादरी की तरफ से हिंदुस्तान की मान सम्मान के प्रतीक पगड़ी गांव की तरफ से दादा लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण पूर्व सूबेदार हैं, देश की सेवा की इन्होंने और सीमा पर डटकर, और दिनेश बोरा जी भी हमारे बीच में, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। युवा साथी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, भाई थोड़ा रास्ता दियो। दादा जी आइए, जल्दी आइए, आओ लेके आओ, पगड़ी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, राजभर ले जाओ भाई। आगे 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 भी बहुत 23 गांवों के प्रोग्राम है भाई, 23 गांवों के, रात के 3 बजे हैं। आओ तो दादा जी आ जाओ, आपका पेगा गांव में अभिनंदन है, स्वागत है। और आपने पवित्र किया पवित्र गांव को, और भाई
ये हिंदुस्तान की लाज अनमान शान जिसके ऊपर पगड़ी के नाम पर और दादाजी आशीर्वाद देते हुए संस्कृत में समय लोग आपका तो कोई मुकाबला नहीं, लाखों से जीत आपकी तालियां बजाइए के दर्शक तालियां दिया करेगा बजाते रहे और ये पगड़ी पहना के सम्मान और राजा वीरेंद्र गोगड़िया जी का मेरे बहुत ही अजीज है, उनको पगड़ी पहना कर सम्मानित करें राजा चल राजा वीरेंद्र जी आप आए वीरेंद्र जी वीरेंद्र गोगड़िया को सम्मानित करें राजा और इसके साथ ही साथ मैं अनुरोध करूँ बिंदर बिंदर पूरे सरपंच जो जेजेपी छोड़कर अभी अभी नए नए दाखिल हुए हैं और साल भेंट करके भाई साहब को सम्मानित कर रहे हैं और जितने भी सुना भी चाय का प्रोग्राम है सभी ने करना है बड़ी अच्छी चाय बना रखी है भाई तालियां बजाइए तालियां की गड़गड़ाहट कम है नहीं नहीं जितने आप रजू हो भाई साहब पर पेगा गांव को तो अपना गांव समझते हैं और पूर्व में रहे पेट्रोलियम मंत्री और झोपड़ी झोपड़ी में खेत खेत में गांव गांव में जो इन्होंने कनेक्शन दिए आज एक उदाहरण है एक इतिहास है। कमिश्नर साहब ने तो ये कह दिया था गांव में गैस नहीं जाती खतरा है और भाई साहब ने कहा उन्होंने कहा कानून नहीं है भाई ये तो बहुत बड़े आपसे बोला भाई जा ये कानून बनकर गांव में पहुंचाओ गली गली में गांव गांव में झोपड़ियों में मैं कहूँ मैं कैचकल में कोच था भाई साहब जितने कोच थे सबको मैंने कनेक्शन देने का काम थोड़ा सा पीछे जी अभिनंदन भाई आप बहुत ही बढ़िया पे फूल मावे से सम्मत सिंह भी सम्मानित करे हमेशन है ये बड़े अपने पुराने साथी बांगे बांगे चलने के सीधे हो गए और इसके साथ ही साथ और भाई जितना पेगा गांव का 36 बरादरी का बासिंदा यहाँ पर है मौजूद है अब तो जीत तो पक्की है सिर्फ एक बात देखनी है किस गांव से कितनी ज्यादा जीत है तालियां बजाइएगा भाई साहब के लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा और मैं अनुरोध करूँ इसी के साथ साथ आयुष खटकर भी हमारे पास है हमारे साथ है आपका सामान आपका धन्यवाद और मैं इसके साथ ही साथ अनुरोध करूं भाई जयप्रकाश जी जेपी को आपने बहुत ही महबूब नेता सर आपने आप संदेश दे बहुत बहुत पब्लिक है उत्सुक है आपका संदेश सुनने के लिए भाई जयप्रकाश जेपी जी बहुत ही सम्मान के योग फेगा गांव के सम्मानित बुजुर्गो नौजवान साथियों घर में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है माताओं बहनों प्यारे बच्चे बुजुर्ग और साथियों आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं गठबंधन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में क्योंकि 25 तारीख को आप लोगों ने अपने वोट की ताकत से इस देश के भविष्य का फैसला करना है कि इस देश में वही तीर गाड़ने वाली सरकार हो इस देश में हमारे खिलाड़ी बेटियों के अपमान करने वाली सरकार हो इस देश में संविधान बदलने वाली पार्टी की सरकार हो इस देश में ओपीएस कर्मचारी आंदोलन करते तो उन पर लाठियां मारने वाली सरकार हो या इस देश में हमारे जनप्रतिनिधियों की पिटाई अपमान करने वाली सरकार हो या इस देश में वो सरकार हो जिसने हमेशा इस देश में कानून का राज लागू करने के लिए इस देश के किसान को इस देश का अन्नदाता स्वीकार किया हो
जिसने इस देश के मजदूर को देश का निर्माण में बहुत बड़ा भागीदार स्वीकार किया हो, जिसके राज में हमारी खिलाड़ी लड़कियों का पूरी दुनिया में बड़ा नाम हुआ हो, तो मैं आपसे एक ही नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर मोहर लगाना, हाथ के पंजे पर मोहर लगेगी तो मैं बूढ़े बुढ़ियों से कहना चाहूंगा हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है जिस दिन हुड्डा साहब शपथ लेंगे उसी दिन से 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे। 300 यूनिट हर घर को बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हम दलित को, हम बैतूल प्रयासित के भाइयों को 100-100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे बना करके देंगे। हम हमारे जो नौजवान भाई खड़े हैं, मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, गांव में जाते हैं, अरे विशाल सिंह कहां गया, अगले को डुबकी लग गया, क्योंकि यहां की सरकार के ऊपर हमारे नौजवानों को विश्वास नहीं है। बेरोजगारी, भूखमरी और यह कोरोना जैसी महामारी की वजह से हमारा प्रदेश का नौजवान इस देश को छोड़कर के गोली गबरी को बेचने में मजबूर हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया कि मात्र 2,00,000 बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे, कौशल रोजगार निगम की ट्रेनिंग पक्की देंगे, हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। मैं ये कहता हूं पेगा खरगा में बहुत प्रसिद्ध फौज तो कभी 4 साल की जहाज खरीद लिया लाखों करोड़ के, 4 साल में तो ट्रक का ड्राइवर कौन बनता हूं, जहाजों में चला होगा या काका बोलो भाई कौन चलाएगा, टैंक तो कौन चलाएगा, लाखों करोड़ रुपया उसमें से खा गए। अरे नेताजी बोले जो वादा के चल दूंगा, ये 125 करोड़ लोग पागल नहीं है जो जाने देंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे, क्योंकि 150 सीट भी बीजेपी की नहीं आ रही, बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में नहीं बनेगी किसी भी कीमत पर, हिसाब देना पड़ेगा। हाँ तो वहां खोल के देखा महाराज छोड़ा था जो अभी खोल के देखा को इंसान देगा था, शायद अगर मैंने देखा नहीं है कोई सोशल मीडिया, मुझे कहते थे जेपी बोर्ड तो बहुत जाने, लेकिन बोला रोल करने की सरकार इनकी है, आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार खत्म हो चुकी है, सरकार अलपमत में है, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गवर्नर साहब को लिख के देते आ रहा है कि आज बीजेपी का बहुमत नहीं है, इसलिए गवर्नर रोल लागू किया जाए, इनके हाथ से सारी चीजें वापस लेंगे, 4 तारीख को नतीजे आएंगे और 6 तारीख को सरकार अपने आप टूट जाएगी, लाइन लगी हुई है मेल में लाइन, तो ये काम कौन करेंगे। लेकिन एक बहुत ज्यादा खुशी की बात है, डीएसए साहब कह रहे थे करेंगे, देखो भाई मैं तो मंत्री था, ये उस लोग की कोच थे, यह चंद्र थे हमारे साथ आइए आगे, ये ठीक कह रहे थे उस वक्त की नौकरी में थे, मैं तो नया नया एमपी बना था। आज मुझे खुशी इस बात की है, पेड़ा गांव के जो लोग 1989 में जयप्रकाश को आशीर्वाद और समर्थन दिए थे, आज उनके परिवार के लोग दोबारा फिर किसी वक्त में दफ्तर सब लोग मैं देख रहा हूं, बहुत लोगों को जानता हूं पेड़ा गांव में समर्थन देने आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बोला बिंदर आ गया, अरे बिंदर गया कड़ा था तो हमारी गलती पे जा रहा था, ये सब हमारे साथी। देखो साथियों समय होता एक जाति सब है मुझसे और सारा गुंडा नहीं है, अरे कहा जो पाचे तब मैं छुट्टी करके निकलने हो, मैंने गुंडा का पाड़ो पाड़ो जैसा तो नाश करके चले गए। अब मैं आपसे उन साथियों से
जो जेजेपी और बीजेपी छोड़ करके जयप्रकाश को आशीर्वाद देने आए हैं, मैं उन साथ साथियों को विश्वास दिलाता हूँ। कई बार क्या चर्चा चल जाती है, बोला यार ये तू भाई है कांग्रेस में, नहीं समाज है कांग्रेस में, समाज एक घर में बच्चा पैदा होता है, जैसे वो जन्म ले लेता है पहले वो परिवार का सदस्य हो जाता है, और 80 साल का उसका दाता भी नहीं हूं। जो भी भाई हमारी पार्टी ज्वाइन करे, हमें समर्थन दे, वो भी हमारे लिए एक घंटे का बच्चा नहीं हो, 80 साल का हमारा बुजुर्ग के बराबर है, और पुराने से पुराने से हमारे कार्यकर्ता का मान सम्मान करेंगे, हम उत्साह करेंगे। मेरे सिर के ऊपर पंडित जी ने मंत्र पढ़ के पगड़ी पहन पहनाई है, मन लाग गया कि मेरा भी जुगाड़ बता ठीक हूं दादी क्या है, क्योंकि अब की बार टिकटों का बंटवारा, या ठीक है यार टिकटों का बंटवारा भी देखा होगा, पहली बार है हरियाणा बनने के बाद इसमें रात में बेरंग धाम में चित्र बेरा पाठों का मीटिंग हुआ है, बोला सीसी का भी बेरा पट गया, सीसी से बड़ा ये था, लेकिन पहली बार का हरियाणा के इतिहास में हुआ है। सोनीपत जैसी सीट ब्रह्मचारी सतपाल महाराज पंडित जी को दी, पहली बार भिवानी की सीट राव दान सिंह को दी, ओबीसी को, गुड़गावा की सीट जयपुर कलासिंह को दी राजबब्बर जी, हिसार की सीट जयप्रकाश को दी, करनाल की सीट जैसे मैं बना था ना निवासी में नौजवानों का अध्यक्ष था, ऐसे ही नौजवानों के हमारे अध्यक्ष दिवासु बुद्धि राजा को, उधर से हमारे भाई है फूलचंद मुलाना जी के बेटे वरुण मुलाना को दी नौजवान, ठीक टिकटों का बटिया बंटवारा हुआ, रात तो रात ऐसी हवा पड़ी भाई हमने गाय दंडे अंडा और तुम पे बच्चा नहीं बीजेपी आया भाई आज हाँ देख रहे हैं। तो मैं तो आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, जो पहले कहीं कमियां रही होंगी अब की बार मैं भी पूरे कर दूंगा, और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच है कि अब की बार मैं वो काम बढ़िया करके दिखाऊंगा, पहले 10 साल बढ़िया करे और जो बच्चे उन्हें करांगे। तो ये बात मैं कहने के लिए आया, जयप्रकाश के सिर के ऊपर पगड़ी बांधी है, अब तो 3 दिन तैयार है यार, अभी तक कर लिया ही काम काम में, फिर मैं जो 6,000 मिलेंगे भी गन्ने के लिए जयप्रकाश के सिर के ऊपर पगड़ी बांधी, जयप्रकाश के नशों में जब तक खून का आखिर कच्चा रहेगा, पेगा गांव की सम्मानी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा, चाहे सर्वस्व को बात करना पड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार है जी, 70 वोट है खरा, आपके बेटे के मनिंदर एक मिनट अरे अरे कांग्रेस।
फिर मिलता हूँ एक नए स्टूडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा प्रोग्राम आपको लाइव दिखाया, वीडियो शेयर कर दें।